चिल्ड्रन एनजीओ वे मॉडलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खेड़ा एचडब्ल्यूसी सब सेंटर ओपीडी उपकरण दिए गए। कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी टूल्स का रोल आउट, मीटिंग का आयोजन सेव द चिल्ड्रन एनजीओ वे मॉडलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एचडब्ल्यूसी एचएससी खेड़ा किया गया। जो है डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से यहाँ पे ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे जो क्वालिटी सर्विसेज हैं वो मिल पाए समुदाय को, उसके लिए फोकस किया है। तो ये 50 जो सेंटर्स हैं इनको स्ट्रेंथन करने के काम चल रहा है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो CHOs हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सके कि वो क्वालिटी सर्विस डिलीवर करें, साथ में जो असेंशियल सर्विसेज हैं जो टेस्ट हैं वो क्वालिटी के साथ यहाँ पे मिल सकें, उसके लिए जो सपोर्ट रिक्वायर है उसमें सेव द चिल्ड्रन जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और इस पूरे प्रोग्राम में मॉडलिस जो मॉडलिस जो यहाँ पे इंडस्ट्री है कैडबरी चॉकलेट जो बनाते हैं उनके सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं और वो इसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। आज जो हम यहाँ पे हैं इसके लिए हम जो समुदाय है उसकी भागीदारी कैसे हो हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी को इंश्योर करने में, उसको लेके समुदाय के साथ और जो यहाँ की पंचायत है और जो यहाँ के मैं एक एनजीओ नहीं बोलूँगी क्योंकि इन्होंने एक डिपार्टमेंट जैसे हम लोगों का अपना है उन्हीं की तरह उनसे ज़्यादा बढ़कर बल्कि इन्होंने सहयोग कर रहा है उस टाइम भी और अभी भी। मेरी डिस्पेंसरी में बहुत सारी कमियाँ थी, हालांकि मैं भी ग्राउंड लेवल से उसको अप लेवल तक लेना चाहती हूँ कि मैं हर फैसिलिटी दे पाऊँ लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी जैसे नर्सिंग का टेस्ट वैसे तो ट्रेनिंग दुनिया करती है ठीक है, पर टेस्ट हजारों बच्चों ने दिया था, हजारों में से 300 कुछ स्टूडेंट्स हम लोग उसमें से चुने गए थे, तो इसमें भगवान का कोई संदेश होता है, उन्होंने हम लोगों को इसलिए चुना गया कि हम लोग लोगों को अच्छी फैसिलिटी दे पाएँ। नींद भी तभी आती है अच्छी जो हम लोग अपनी जिस गद्दी पे बैठे हैं उस पे अच्छा काम कर पाएँ ठीक है जी। और मैं तो जहाँ पहले थी वहाँ भी अपने दिल से लगा के काम करती हूँ, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, आपको लगेगा कि बड़ा मीठा मीठा बोले जा रहे हैं, पर मेरा तरीका भी ऐसे ही है, गुस्से से भी बात करती हूँ क्योंकि मेरी जॉब ही ऐसी है, क्योंकि फील्ड में हर तरह के पर्सनस आते हैं, उनको कईयों को गुस्से से मुझे ट्रीट करना पड़ता है, कईयों को प्यार से, कईयों को किस तरह ठीक है जी। तो बाकी सेव द चिल्ड्रन ने मुझे बहुत हेल्प करी है, पहले भी अभी भी और फ्यूचर में भी, सबके साथ अच्छे हैं जी मैम। नहीं सभी के लिए यही चाहिए रूट बोला काम को लेके बताइए सबको, जब काम करना है तो करना ही है जैसे मर्जी, जैसे फैमिली हो तो है हम किस काम से जाते हैं वो काम हमारा अपने साथ हो जाता है वही चाहिए हमें। ठीक है तो नेक्स्ट है हमारा कि जब क्लिनिक है हाँ जी क्लिनिक हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर में पेशेंट जाते हैं तो क्या वहाँ पे हेल्प डेस्क है कि मतलब आपको पता चल सके कि हमें कौन से उस पे रूम पे कौन सी सर्विस मिलेगी, यहाँ पे मतलब जैसे एएनएमएल बैठती है इधर CHO बैठती है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ डिस्प्ले हुआ है कहीं नहीं है, कौन सा कलर देना चाहोगे आप? तो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे पेशेंट जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराए, वो पता करे, उसको पता लगे कि क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे मिलती है, उसको कुछ पूछना हो तो पूछने के लिए उनके पास कोई होना चाहिए। कि हम स्वस्थ नहीं है जो अच्छे मतलब को जिसके पास अर्निंग ठीक है वो तो अपना ट्रीटमेंट बाहर भी करवा लेते हैं, पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत एक रतन तुल्य बात है, हमें इस पे चलना है, हमारी एक ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस पे अपना असर करेंगे, पर मैंने देखा है बहुत कम लोग करते हैं, कि मुझे लगता है कि मैडम के पास हमारे गांव से ऊपर से बहुत कम लोग आते होंगे, अगर आते होंगे तो प्रवासी लोग ही आते हैं, तो हमें भी यहीं डिस्पेंसरी में इसका लाभ लेना चाहिए। तो ये इन्होंने जैसे कि NGO वालों ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बोला इन्होंने, और भी जो इन्होंने बोला ये काम करवाएंगे, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारी पंचायत में आए और हमारी एनस्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। इनका मैं